नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। खेड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 30 लाख की अवैध शराब के साथ 3 गिरफ्तार। अनुसूचित जाति आरक्षण संघर्ष समिति ने निकाली विशाल रैली, कहा सरकार आरक्षण के साथ नहीं करे छेड़छाड़। दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आगाज, देश के अलग अलग राज्यों से जुटे विशेषज्ञ। मरीज की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा, डॉक्टर्स पर लगाए लापरवाही का आरोप। ठंडी राखी से शुरू हुई गौरी की थमेगी धूम, गल्लावन और वल्लावन की रस्म के साथ होगी विदाई। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं खेड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई की। उदयपुर जिले की खेड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए गुजरात जा रहे अवैध शराब के ट्रक को पकड़ा। खेड़ा पुलिस को शनिवार शाम को मुखबिर की सूचना मिली कि एक ट्रक चित्तौड़ की तरफ से आ रहा है, जिसमें हरियाणा ब्रांड की अवैध शराब भरी हुई है जो गुजरात ले जाई जा रही थी, जिस पर खेड़ा पुलिस ने डिप्टी घनश्याम शर्मा के नेतृत्व में हाईवे पर नाकाबंदी कराई। इस दौरान ट्रक को आता देख पुलिस ने रुकवाने की कोशिश की, लेकिन चालक नाकाबंदी तोड़कर भाग गया, जिसे पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। बताया गया है कि ट्रक में 800 पेटी अवैध शराब भरी हुई है, जिसकी बाजार कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं पुलिस ने चालक सहित 3 जनों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। उदयपुर के भोपाल नोबल्स कॉलेज ऑफ फार्मेसी और इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन के साझे में आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आगाज हुआ। राष्ट्रीय सेमिनार में देश के अलग अलग राज्यों से जुड़े विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। सेमिनार के उद्घाटन सत्र में इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों ने भाग लिया। सेमिनार के उद्घाटन सत्र के बाद 2 दिनों में कुल 6 सत्र आयोजित किए जाएंगे और इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। सेमिनार के उद्घाटन सत्र में केंद्र सरकार के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में संशोधन करवाने वाले अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की गई। सेमिनार के उद्घाटन सत्र के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने साफ किया कि होलसेल ड्रग्स लाइसेंस के नियमों में बदलाव आना चाहिए। अब तक केवल ग्रेजुएट और 1 साल के अनुभव वाले को ही होलसेल ड्रग्स का लाइसेंस मिल जाता था, लेकिन अब इसमें बदलाव होना चाहिए और केवल रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट को ही लाइसेंस मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऑनलाइन फार्मेसी लीगल नहीं है, इसके लिए सरकार की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया है जो कि तय करेगी कि ऑनलाइन फार्मेसी सही है या नहीं। जब तक कमेटी का निर्णय आता है तब तक ऑनलाइन फार्मेसी पर रोक लगनी चाहिए। For import, for export and other issues. Rule 70,000 diploma holder every year. We are producing 10,000 postgraduate in pharmacy every year. We have started another course, car pharmacy, doctor in pharmacy. Iska 6 saal ka duration hai. Aur us ye jo 3 humne points yahan discuss kiye hain, usme sabse bada important jo issue hai, qualification of manufacturing chemist इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट अंडर रूल 71 एंड 76। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में इस क्वालिफिकेशन को अमेंड करे और वहाँ पे जो बीएससी की जो क्वालिफिकेशन है उसको वहाँ से डिलीट करे। दूसरा इशू जो है होलसेल ड्रग लाइसेंस लेने के लिए, आज रूल 64 में एनी मेट्रिकुलेट या ग्रेजुएट और इंटरमीडिएट उनको लाइसेंस मिल जाता है फॉर ओपनिंग ए होलसेल ड्रग लाइसेंस। हम चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको डिलीट करे और ये ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी में एंड ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में। इसकी नोटिफिकेशन आना बाकी है और उसमें ये अप्रूव हुआ है कि सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट को ही होलसेल का ड्रग लाइसेंस दिया जाएगा। तीसरा जो इशू, जो बर्निंग इशू है ऑनलाइन फार्मेसी का, इसमें भी ऑलरेडी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है और इसकी फाइनल कमेटी 30 सितंबर को होने जा रही है और ऑनलाइन फार्मेसी की जितनी भी रिकमेंडेशन होंगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चली जाएंगी और कमिंग विंटर सीजन में कैबिनेट में इसको अप्रूवल के लिए जाएगा। उसके बाद ही ऑनलाइन फार्मेसी की परमिशन दी जाएगी अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन। भी लोग मेट्रिकुलेशन के बाद
इंटरमीडिएट के बाद या ग्रेजुएशन के बाद होलसेल का लाइसेंस लेते हैं, क्योंकि होलसेल में बल्क क्वांटिटी में ड्रग को स्टोर किया जाता है। इन लोगों को बेसिक स्टोरेज कंडीशन के बारे में मालूम ही नहीं होता कि कहाँ ड्रग स्टोर करनी है, कैसे करनी है। जबकि फार्मेसी स्टूडेंट्स को, जिसने जो कि रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट है, उसको फार्मेसी क्यूरिकुलम में सब पढ़ाया जाता है कि दवाइयाँ स्टोर कैसे करनी है, दवाइयाँ डिस्पेंस कैसे करनी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बल्क ड्रग में, बल्क एरिया में जहाँ ये दवाइयाँ स्टोर की जा रही हैं, वहाँ क्वालिफिकेशन सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट हो। जम्मू के उरी में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए शनिवार को उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में मेडिकल कॉलेज के स्टाफ के साथ सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स और MBBS के छात्र मौजूद रहे। सभागार में हुई श्रद्धांजलि सभा में सभी ने 2 मिनट का मौन रखते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने जवानों को याद करते हुए कहा कि उनके परिजनों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। सभा के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने साफ किया कि यह आतंकी हमला जम्मू के आर्मी कैंप पर नहीं होकर पूरे देश पर हुआ है और इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि RNT मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और स्टाफ उनके परिजनों के साथ है। हमने आज यहाँ पे हमारे जो RNT का सभागार है उसमें एक कंडोलेंस सेरेमनी ऑर्गेनाइज की, जो हमारे उरी में शहीद हुए जवानों के लिए कराई गई है। इसमें हमारे जो एडिशनल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, सारे स्टाफ, पूरा स्टाफ, पूरे हमारे MBBS के जितने भी बैचेस थे उनके स्टूडेंट्स, पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी सब शामिल हुए और 2 मिनट का हम सबने मौन रखा और हमने इसे श्रद्धांजलि दी। अनुसूचित जाति आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से आज उदयपुर में एक विशाल रैली निकाली गई। समिति की ओर से निकाली गई जन अधिकार महारैली से पहले सभी सदस्य टाउन हॉल परिसर में इकट्ठा हुए। टाउन हॉल में इकट्ठा होने के बाद हजारों की संख्या में एक साथ रैली के रूप में वहां से रवाना हुए। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए संभागीय कार्यालय के बाहर पहुंची, जहां पर महासभा हुई। संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर रैली में लोगों ने अपने आरक्षण के लिए जोरदार नारेबाजी की। रैली के बाद संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने साफ किया कि सरकार ने TSP क्षेत्र के लोगों के आरक्षण को लेकर खिलवाड़ किया है और अब आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण लागू करवाया था, लेकिन अब आरक्षण को हटाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा हम नहीं होने देंगे। श्रीमान PR सालवी साहब एडवोकेट, इन्होंने ये बोला साहब, मैं इनका बहुत बहुत आपकी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमान मदनलाल जी नवल साहब आमंत्रित कर रहा हूँ, नेताजी कल्याणा जहाँ कहीं भी होकर मंच पर बता रहे हैं। इस महिला ने, इस बहन ने हमारे साथ रात दिन, रात को 10 बजे कमलेश जी थ्योरी साहब जो कहीं भी हो कर पाए, श्री लोगनलाल जी, श्री सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मेरे बुजुर्ग होते हुए भी नारा लगाना चाह रहा हूँ। मेरा मन मान रहा, कह रहा है कुछ कुछ तो करो, पब्लिक जागे बाबा। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं, भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं, खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं, अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is health.
पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294-241-4256 और 9414-1221। बिगेस्ट मल्टी ब्रांड स्टोर ऑफ उदयपुर, राजा साहब एक्सेल, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स ऑल गार्मेंट्स। फोर वन वन भोपालपुरा अपोजिट गट्टानी हॉस्पिटल उदयपुर। कॉल एट 0294-241-066। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्स कॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्स कॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध, बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर, फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध, बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 2640452। और मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटर कॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटोकॉप के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स बीएन कॉलेज के सामने उदयपुर। राजस्थान में कंपटीशन एग्जाम्स को क्रैक कराने वाले उदयपुर संभाग के सबसे बेहतरीन संस्थान GKS एकेडमी की स्थापना पूजनीय माताश्री श्रीमती गुलाब कुंवर जी की पुण्य स्मृति में नवंबर 2013 में की गई। सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी मेंबर्स के अनोखे टीचिंग मेथड ने इसे राजस्थान के स्टूडेंट्स की पहली पसंद बना दिया। सेकेंड ग्रेड शिक्षक, थर्ड ग्रेड शिक्षक, RAS, SI, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, LDC, बैंक PO, SSC आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की ट्रिक्स के आधार पर कोचिंग करवाई जाती है। शानदार वाईफाई कैंपस में स्टूडेंट्स के टेस्ट OMR के माध्यम से लिए जाते हैं। साथ ही यहां पर ज्ञान के खजाने के रूप में लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहां पर विशेष क्लासें चलाई जाती हैं। GKS Academy, स्वागत वाटिका के सामने, सेक्टर 4, उदयपुर। कॉल 7733-00944, 850-40-68122। Thank you.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराणा भोपाल चिकित्सालय के कार्डियोलॉजी विभाग में शुक्रवार देर रात उपचार के दौरान हृदय रोगी की मृत्यु के बाद परिजनों और रेजिडेंट्स के बीच जोरदार हंगामा हो गया। परिजनों ने कार्डियोलॉजी विभाग स्टाफ पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए, जबकि रेजिडेंट्स ने मौत के लिए परिजनों को जिम्मेदार ठहराया। देर रात विवाद की सूचना पर हाथीपोल एवं भोपालपुरा पुलिस ने समझाइश कर माहौल को शांत किया। परिजन मामले की FIR दर्ज कराने हाथीपोल थाने पहुंचे। इधर परिवार के मुखिया की हुई मौत पर पूरा परिवार रोता बिलकता रहा। मामला समाप्त होने के बाद विभाग के प्रमुख डॉक्टर कपिल भार्गव यूनिट में पहुंचे और रेजिडेंट से मामले को लेकर पूछताछ की। इससे पहले कार्डियो विभाग के कॉटेज वार्ड में भर्ती वल्लभ नगर निवासी गुलाब चंद बोहरा की ICU यूनिट में मौत हो गई थी। ठंडी राखी से शुरू हुई मेवाड़ के प्रसिद्ध लोक नाट्य गवरी की धूम रविवार को गल्लावन वल्लावन की रस्म के साथ थम जाएगी। शनिवार को गल्लावन की गवरी कई जगहों पर खेली गई। देवारी के चारभुजा मंदिर चौक में शनिवार को यानी गल्लावन के दिन गोर्जिया माता जी को हाथी की सवारी पर मूर्ति के रूप में विराजमान कर लाया गया। गल्लावन की गवरी देखने सैकड़ों ग्रामीण उमड़े। रविवार को गल्लावन की गवरी होगी, जिसमें हाथी की सवारी के बाद गोर्जिया की प्रतिमा को गाड़ दिया जाएगा। बारिश के दौर थमने के बाद बीमारियों से लोग परेशान हो गए हैं। वहीं मौसम के बदलाव के चलते कभी बारिश तो कभी गर्मी का दौर चल रहा है, लेकिन इस बदले मौसम से MB हॉस्पिटल में मरीजों की लंबी कतारें दिखाई दी। रोजाना मौसमी बीमारियों से परेशान ग्रामीण व शहर के 150 से अधिक लोग दिखाई दे रहे हैं। वहीं खराब मौसम के चलते बच्चे भी अधिक बीमार हो रहे हैं, जिन्हें सर्दी जुकाम बुखार आदि की शिकायत है। बच्चे व बड़े MB हॉस्पिटल में आ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि मौसम के बदलाव के चलते सर्दी व जुकाम व बुखार से जो बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनके खान पान का विशेष ध्यान रखें। आजकल जो बीमारियां हैं वो वायरल डिजीज मेनली है, जो मेनली फैलती है छींकने खांसने से। हवा में इसके कीटाणु तैरते हैं, वो कपड़ों पे या किसी पे चीज पे गिर जाते हैं और वो किसी न किसी रूप में बच्चे के शरीर के अंदर जाते हैं, तो उसकी वजह से होता है। इसमें मेनली ध्यान रखना है कि हैंड वॉशिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हाथ एक ऐसी चीज़ है जो मुंह में भी जाते हैं, आँखों में, सब जगह लगते रहते हैं। अगर कहीं भी कीटाणु जो है वो हाथ में चिपक जाते हैं तो वो शरीर में जाने से नुकसान होता है। तो फ्रिक्वेंटली हैंड वॉशिंग होनी चाहिए। छींकते खांसते समय जो डिजीज्ड है उनको मुँह पर कपड़ा रखना चाहिए छींकते खांसते समय, ताकि डायरेक्ट ड्रॉपलेट के रूप में इसका नहीं हो। बाजार की चीज़ें नहीं खा के बाकी जो भी चीज़ें हो वो ढकी हुई होनी चाहिए, बाकी घर की बनी हुई है। ज़्यादा पानी पिए, साफ़ सुथरा फल फ्रूट खाने से बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, उससे इसका असर जल्दी से नहीं होता। तो एक तो प्रिवेंशन हो गया कि हम बीमारी नहीं फैले, दूसरी बॉडी की जो क्षमता बढ़े उसके लिए सही खाना बहुत ज़रूरी है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। खेरोदा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 30 लाख की अवैध शराब के साथ 3 गिरफ्तार।
अनुसूचित जाति आरक्षण संघर्ष समिति ने निकाली विशाल रैली, कहा सरकार आरक्षण के साथ नहीं करे छेड़छाड़। दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आगाज, देश के अलग अलग राज्यों से जुटे विशेषज्ञ। मरीज की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा, डॉक्टर्स पर लगाए लापरवाही का आरोप। ठंडी राखी से शुरू हुई गौरी की थमेगी धूम, गल्लावन और वल्लावन की रस्म के साथ होगी विदाई। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।